नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबों का स्वागत है सर्वेश क्लासेज के जीजी में। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी 100 क्वेश्चन का सेट मैं डेली कराता हूं आपको, या फिर मैं आपको कराता हूं जहरीला 50। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्ञान बिंदु बुक का ये सीरीज, जो कि ज्ञान बिंदु का नया बुक आया है, उसमें से मैं आपको अर्थव्यवस्था कराने वाला हूं। आपको पता है साथियों कि बिहार दरोगा कम से कम 2853 सीट, कितना 2853 सीट पर वैकेंसी आने वाली है। लगभग आपका 1500 से प्लस सीटों की न्यू प्रक्रिया का समाप्त हो गई है और 1000 सीट की प्रक्रिया जो है वो गृह विभाग के पास फंसा हुआ है। जैसे ही वहां से क्लियरेंस मिलेगा, आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में बिहार दरोगा की वैकेंसी देखने को मिलेगी। चलिए, तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु के बुक से इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट को करने वाले हैं। आपको जैसा कि पता है कि यह बुक से आप जो है, अगर पूरा बुक आप हमारे साथ कर रहे हैं, तो आप अपना 50% सिलेबस को कवर कर रहे हैं और रेस्ट 50% के लिए आपको करेंट अफेयर, जो कि मैं कराऊंगा अपने चैनल पर, वो करना है। साथियों, आपको पता ही है कि आपका भाई दो बार बिहार दरोगा क्वालिफाई है, 2446 और 2213 रनिंग में डिस्क्वालिफाई है। तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस के रूप में बताता हूँ कि अर्थव्यवस्था से बहुत सारे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, 3 से 4 सवाल ही पूछे जाते हैं। और जितना कि ज्ञान बिंदु के इस बुक में दिया हुआ है, अगर आप उतना इकोनॉमिक्स कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका इकोनॉमिक्स में कहीं कोई समस्या नहीं होगा। चलिए, आज हम लोग अर्थव्यवस्था करने वाले हैं। ये किताब में जो भी फैक्ट है, मैं वो तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ कुछ अपने द्वारा भी फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे फैक्ट आते हैं साथियों। तो सबसे पहला है यहाँ पर अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थ माने होता है पैसा और व्यवस्था माने व्यवस्था। तो घर के अंदर या घर के बाहर या किसी भी एरिया में पैसे संसाधनों का व्यवस्था करना। क्योंकि आपको पता है कि 2213 में क्वेश्चन पूछा गया था कि हम लोग इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते क्यों हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि संसाधन क्या है? सीमित है और आवश्यकताएं असीमित है। क्या है साथियों? तो संसाधन सीमित है और आवश्यकताएं क्या है? सीमित है और आवश्यकताएं क्या है? आवश्यकताएं असीमित है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते हो के। और इकोनॉमिक्स किस भाषा के शब्द से बना है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। किससे बना है? तो एक सेकेंड, हम लोग यहां आते हैं और इस पे आपको थोड़ा सा बताते हैं पहले, ठीक है? हाँ, यहां बताते हैं हम आपको। तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो है आपको साथियों, इकोनॉमिक्स जो है ये किस भाषा से बना है? तो ये बना है आपको ग्रीक वर्ड से। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है ओइकस, और इसका मतलब होता है नोम्स का मतलब। ओइकस का मतलब क्या होता है? ओइकस का मतलब होता है साथियों आपका हैबिटेट या हाउस, यानी कि आवास। और नोम्स का मतलब क्या होता है? नियम या कानून। यानी कि इकोनॉमिक्स किससे बना है? ग्रीक वर्ड ओइकस नोमस से बना है, जिसका घर के लिए नियम या सिद्धांतों का अध्ययन का विषय। क्या है? तो घर के लिए नियमों या सिद्धांतों के अध्ययन का विषय है। क्या चीज? आपका अर्थशास्त्र। ओके, इसलिए हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स। लेकिन आपको पता है साथियों कि भारत में और हम लोग का जो सिलेबस है, उसमें इकोनॉमिक्स कहीं है ही नहीं। हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स नहीं, हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी। क्या पढ़ते हैं साथियों? हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी। क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमी पढ़ते हैं। और इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अर्थ और इसका मतलब होता है व्यवस्था। ये था साथियों आपका क्या चीज? अर्थशास्त्र। ये क्या था? अर्थ शास्त्र था। ये पढ़ता है वो जो आपका क्या करता है? पीजी करता है, रिसर्च करता है इकोनॉमिक्स पर। हम लोग ये पढ़ते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। क्योंकि संसाधन सीमित है, आवश्यकता असीमित है। मान लीजिए कभी आप थाने पे हैं और आपके थाने के पास हथियार कम है, लेकिन आपको बहुत सारे मुजरिम को पकड़ना है, तो कैसे आप कीजिएगा? इसलिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको पता ही होगा कि जो ऑफिशियल जो सिलेबस है, उसमें इकोनॉमिक्स की कहीं चर्चा नहीं की गई है। अर्थ माने क्या होता है? मुद्रा।
या संसाधन और प्रणाली, और इसका मतलब क्या होता है, प्रणाली या प्रबंधन। तो हम लोग ऐसे विषय जिसमें संसाधनों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं साथियों, उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं ऐसे विषय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे विषय जिसमें संसाधनों के प्रबंधनों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, और अब हम लोग किताब पे ही चलते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको ज्यादा यहां फैक्ट कराने लगूंगा तो आप लोग कीजिएगा या फिर नहीं कीजिएगा पता नहीं। अगर आप लोग को डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ना है, आपको अगर क्या कहता है उपेंद्र अनमोल सर के इकोनॉमिक्स नोट को पढ़ना है, तो आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर पूरा, हाँ भैया पूरा डिटेल में करा दीजिए, तो मैं आपको पूरा डिटेल में करा दूंगा। ओके, क्योंकि मेरे पास है उनका नोट। आइए हम लोग आप इकोनॉमिक्स को यहाँ से बुक से पढ़ते हैं। कहता है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र अर्थ का एक विषय है जिसमें मानव के आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, बता दिए। और अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है, और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशन, कब लिखा गया था, तो 1776 में, और पूंजीवादी व्यवस्था, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पूंजीवाद का जनक भी किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। और समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो समाजवाद का जनक कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ओके, अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप की व्यवस्था होते हैं, ठीक। और देखिए अर्थशास्त्र, और रेगनर फिश ने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा है, किसने, रेगनर फिश ने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा है। पहला आपका क्या है, विशिष्ट अर्थशास्त्र, विशिष्ट अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें व्यक्ति व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी परिवार की आय, तो विशिष्ट मतलब क्या है, किसी खास व्यक्ति खास फर्म, जैसे मान लीजिए सिर्फ रिलायंस के इकोनॉमिक्स की व्यवस्था करें तो यह क्या कहलाएगा। और दूसरा है माइक्रो, माइक्रो मतलब समिष्ट अर्थशास्त्र, जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय हो गया, बेरोजगारी हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, ऐसे सभी चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, इसी समिष्ट में। समिष्ट का मतलब है जिसमें सभी शामिल है, उसे क्या कहते हैं, समिष्ट कहते हैं। ओके, ठीक। और अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आपको पता है साथियों अर्थव्यवस्था के कुल कितने क्षेत्र हैं, तो तीन क्षेत्र हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, और क्या है आपके, और ये पता है ये पुराना है जो ये तीन क्षेत्र है, तो ये तीन क्षेत्र वाला आपको कौन बांटा था, तो ये बांटा था एलन जॉर्ज ने, और ये कहाँ का था, न्यूजीलैंड का, तो इसने इसे किसने बांटा था, एलियन जॉर्जी ने बांटा था, और ये न्यूजीलैंड का था तीन क्षेत्र में। बाद में मिखाइल फीडरमैन ने, रूस के व्यक्ति ने, इसे पांच क्षेत्रों में बांट दिया अर्थव्यवस्था को, ठीक। तो उतना डिटेल आप लोगों को नहीं पढ़ना है, और अगर पढ़ना हो तो कहिए, एक बार पढ़ लीजिएगा तो बिल्कुल मदद आएगा। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से होता है, और इसमें जो है कृषि और कृषि से जुड़े सभी कार्य होते हैं, जैसे मछली पालन, पशुपालन, इसलिए इसे इसका दूसरा नाम क्या है, कृषि सेक्टर भी नाम है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेड कॉलर इकोनॉमी, क्या कहते हैं, रेड कॉलर इकोनॉमी, कॉलर। दूसरा है आपका द्वितीय क्षेत्र, इसमें क्या होता है, सेमी फिनिश्ड या पूर्ण फिनिश्ड बनाया जाता है इसको, जैसे कि आप कृषि से गेहूं का पैदावार किए, तो गेहूं से मैदा बन, गेहूं से आप आटा पीस के बेचे या फिर बिस्किट बना के बेचे, तो ऐसे क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, इसमें उद्योग होता है, और उद्योग दो तरह के होते हैं, एक होता है साथियों आपका क्या चीज, उत्खनन, और एक होता है आपका खनन। देखिए कहीं भी आप जाइए, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको इतना डिटेल में इस बुक को कोई नहीं करा रहा होगा, ये सिर्फ मैं ही करा सकता हूँ, सब तो आपको सिर्फ पढ़ के दिखा देगा, और पढ़ना तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समझना इम्पोर्टेंट है, बुक पढ़ लेने से नहीं होगा, उसको समझना होगा। तो उत्खनन का मतलब होता है, जैसे बालू का क्या होता है, उत्खनन होता है, और कोयला का क्या होता है साथियों, खनन होता है, यानी कि माइन बनाकर, सुरंग बनाकर खनन करना, खनन कहलाता है, और ऊपर से ही मिट्टी को कोर लेना या फिर बालू को ले जाना, ये क्या कहलाता है, उत्खनन कहलाता है। और उद्योग दो तरह के होते हैं, एक खुले क्षेत्र के उद्योग होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन उद्योग हो गया, रेलवे बनना, पुल बनना, ब्रिज बनना, और एक होता है
कारखाने में, तो कारखाने में भी उद्योग और बड़े पैमाने पर होने ही उत्पादन को ही क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं, और द्वितीय क्षेत्र को उद्योग ही कहते हैं। अभी वर्तमान में भारत में इसका योगदान 18.5% है भारतीय जीडीपी में, और इसका योगदान जो है लगभग 28% के आसपास है, और बाकी सारा योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। और जैसे जैसे कोई भी देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, वहां की क्या होती है साथियों, तो वहां जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटते जाता है और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक, चलिए अब कहता है इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं, और ये क्या है, इसमें कुछ नया चीज उत्पन्न नहीं होता, बस ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देता है। जैसे कि मान लीजिए कि किताब प्राथमिक क्षेत्र में किताब है, और जैसे शिक्षण हो गया, ये सब किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में ही आता है। बाकी तो मिखाइल फिडरमैन ने चतुर्थक क्षेत्र और पंचक क्षेत्र भी दिया था, इसे हम लोग कहते हैं व्हाइट कलर, सफेद कॉलर। भारतीय अर्थव्यवस्था सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है, और लगभग कितना है साथियों, तो लगभग ये अभी वर्तमान में 56% के आसपास है। ठीक, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय के मान गणना की दो विधि है। ओके, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था, दादाभाई नौरोजी ने किया था, और कब किया था साथियों, 1867 से 1868 में किया था, और नौरोजी के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय भारत की मात्र कितनी थी, 20 रुपया थी। वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय है लगभग आपको कितना, $4,405 के आसपास है। और भारत जो है ये किस क्षेत्र में है, तो भारत जो है अभी वर्तमान में अंडर क्या है, अंडर प्रोसेसिंग, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी के अंतर्गत आता है, जिसका जहां का प्रति व्यक्ति आय 12,000 रुपया से अधिक होगा, वो देश जो है $12,000 से अधिक होगा, वो देश जो है आपका किस में आएगा, तो डेवलप इकोनॉमी में आएगा। ठीक, तथा भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, भारत का राष्ट्रीय आंकड़ा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, लेकिन जो आपका रिजर्व बैंक है RBI है, इसका जो आंकड़ा है ये आता है 1 जुलाई से 30 जून तक। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO की स्थापना 1951 में भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए किया गया था। अब CSO और NSO को सबको मिला के क्या बना दिया गया, कंबाइंड रूप से NSO ही बना दिया गया है। आइए आगे देखते हैं साथियों, तथा वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने CSO और NSSO को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कार्यान्वयन को विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना कर दी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब ये दोनों CSO और NSSO दोनों मिक्स होकर क्या बन गया है, NSO बन गया, साइमन कंजुगेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता, मतलब सबसे पहले पूरे विश्व में जो राष्ट्रीय आय का उत्पाद विधि है उस विधि को कौन दिया था, साइमन कुजनेट्स ने दिया था। इसलिए साइमन कुजनेट्स को क्या कहते हैं साथियों, साइमन कुजनेट्स को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय के जन्मदाता। राष्ट्रीय आय की विभिन्न धारणाएं, सकल घरेलू उत्पाद, व्हाट इज ए GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद GDP कहलाता है। किसी देश में की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद क्या है, GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप समझ गए कि भारत में जैसे एक साल में कितना उत्पादन हुआ वही क्या कहलाएगा आपका, GDP कहलाएगा। ठीक ना, अब कहता है व्हाट इज ए GNP, क्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, तो GNP में क्या है कि GNP कैसे निकलता है, तो GDP प्लस X, X क्या है, तो कोई भी व्यक्ति मान लीजिए विदेश में जाके पैसा कमा रहा है तो वो देश में ही जुड़ेगा, और माइनस M क्या है, तो विदेशों द्वारा भारत में, भारत मान लीजिए भारत में BBC हिंदी भारत में पैसा कमा रहा है, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, BBC हिंदी क्या है घटा देंगे, और मान लीजिए कि क्या है आज तक विदेश में जाकर पैसा कमाया तो उसका जोड़ देंगे, तो क्या निकलेगा, GNP निकलेगा। GNP का फुल फॉर्म क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब कहता है शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP या किसी भी अर्थव्यवस्था का वह GDP है जिसमें एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्य ह्रास को घटाकर। अब क्या है मूल्य ह्रास का मतलब क्या है कि आप जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा इंटरनेट लग रहा है, हमारा लैपटॉप का बिजली जा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ बिजली लग रहा है, तो ये सबसे घटाने के बाद जो बचेगा, यानी कि उत्पादन में जो मशीनें खराब हो गई, जो गाड़ियां खराब हो गई, उस सबको हटाने के बाद जो बचता है उसी को क्या कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद
नेट नेशनल नेट डेवलप डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं एनडीपी, जो कि जीडीपी में मूल्य ह्रास पर राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो आय बचती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं एनएनपी। अब कहता है व्हाट इज आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, आपको पता है कि ये क्वेश्चन क्या है आ चुका है, और कल ही जब मैं आपको क्या करवा रहा था 2446 का सेट करवा रहा था वहां यह क्वेश्चन आया था कि भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में कौन दिया था, तो एम विश्वेश्वरैया ने दिया था, और एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर ही क्या मनाया जाता है आपको साथियों, ये बहुत बड़े आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी थे तो, ओके तो कहता है पुस्तक इनकी पुस्तक क्या थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया थी, और इनके द्वारा दिए गए प्रस्ताव को जो है 1938 में जो है ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में कौन हुआ था आपका सम्मेलन हरिपुरा सम्मेलन में भी क्या किया था उठाया था सब प्रस्तुत किया था कांग्रेस के समक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। वर्ष 1944 में बंबई के 8 उद्योगपति द्वारा बंबई प्लान प्रस्तुत किया गया। बंबई प्लान के सूत्रधार कौन थे, सर आर्दिसर दलाल थे, ठीक है ना। तथा श्री एम एन रॉय ने वर्ष 1945 में जन योजना पीपल्स प्लान बनाई, किसने बनाई 1945 में एम एन रॉय ने जन योजना बनाई। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना, सर्वोदय का मतलब क्या होता है वही सबका साथ सबका विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ओके समावेश। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई, और ये पंचवर्षीय योजना किस पर थी, मॉडल पर हेराल्ड रोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड रोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं अध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना आयोग को समाप्त करके क्या किया गया, 1 जनवरी 2015 से नरेंद्र मोदी ने इसके नीति आयोग कर दिया, क्या कर दिया योजना आयोग को समाप्त करके क्या कर दिया साथियों, नीति आयोग। कहते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ओके। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगढ़िया थे। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब कहता है गरीबी व्हाट इज ए प्रोविटी, तो गरीबी आपको रेगनर नक्स का एक कथन याद होगा कि गरीबी क्या है दुष्चक्र है, और गरीबी के दुष्चक्र से निकलने का सबसे अच्छा साधन क्या है साथियों, तो शिक्षा है और केवल शिक्षा है। क्योंकि अगर आपके पिताजी गोबर उठा रहे हैं किसान है तो आप उस परिस्थिति को कैसे बदल सकते हैं, शिक्षा के दम पर ही बदल सकते हैं। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक का संबंध गरीबी के मापन से, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध किससे, गरीबी। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स और लॉरेंज एवं गिनी गुणांक 1912 में क्रोडी गिनी ने इटली ने विकसित किया था। नोट वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है। दादा भाई नेहरूजी की पुस्तक क्या थी, प्रोविटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गरीबी के मापन संबंधित। बाद में गरीबी के मापन से संबंधित समितियां कौन है, डॉक्टर वाई की अलग समिति, डॉक्टर वाई की अलग समिति का संबंध किससे है, गरीबी के मापन से। गठन कब होता है 1977 में होता है, और रिपोर्ट कब आती है 1979 में। आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी, हाँ मतलब 2400 कैलोरी अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग खा रहे हैं तो वो क्या है, तो उस गरीब नहीं है, और 2100 शहरी क्षेत्र के, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग। और लकड़ावाला समिति का गठन हुआ 1989 में, और रिपोर्ट प्रस्तुत हुई 1993 में। सुरेश तेंदुलकर समिति जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका गठन हुआ था कब 2005 में, और रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था कब 2009 में। आधार क्या था, तो शहरी क्षेत्र के लिए 1000 रुपया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपया नीचे मानसिक रूप से खर्च करने वाले लोग क्या है, गरीब है। ये किसका था, सुरेश तेंदुलकर समिति का। और अभी श्री रंगराजन समिति का गठन 2012 में हुआ था, रिपोर्ट 2014 में आया था। आधार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपया तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 1417 रुपया प्रति व्यक्ति मानसिक, मतलब 972 रुपया अगर कोई आदमी महीना में गांव में खा रहा है, बताइए 972 में तो आप कैसे होता है। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे हम और आप क्या है ग्रसित हैं, कि हमारे सारे साथी क्या है ग्रसित हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं, इसीलिए तो क्या कर रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं। तो बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। एक व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक, काम करने को आप इच्छुक हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, लेकिन आपको काम नहीं मिल रहा है, इसी को क्या कहते हैं बेरोजगारी, किंतु से काम नहीं मिलता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है, एनएसएसओ जारी करता है, तो आप
नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बेरोजगारी के प्रकार। आइए, ऐच्छिक बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति काम कर मिलता हो और काम करने के लिए तैयार ही ना हो तो उसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी, व्यक्ति को काम की तलाश हो लेकिन काम ना मिले। और प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन में क्या है आ चुका है। इसमें क्या है आपका, जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग शामिल हो उन्हें हटा देने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यह कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है कि बाप बेटा सब लगल है, एक के गाय को दू रहा है, चरा रहा है और दूध उतने है, 10 लीटर है, ठीक है ना। चलिए, मौसमी बेरोजगारी क्या है कि जैसे बिहार के किसान बाढ़ के समय में, उत्तर बिहार के किसान क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, खेत डूब जाता है नदियों से और किसान बैठ घर में बैठ कर ताश खेलते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। एक वर्ष के किसी मौसम या कुछ महीने के लिए रोजगार मिलना तथा शेष महीनों में मौसम प्रकार नहीं मिलना मौसम। संरचनात्मक बेरोजगारी, ये बेरोजगारी कब आता है, जब अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन होता है, जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, क्या आ गया, AI आ गया। AI आने से क्या होगा कि कुछ लोगों की नौकरी जाएगी, लोग AI पर सर्च कर लेंगे। तकनीकी परिवर्तन, अब देखिए, गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजना तथा उसके प्रारंभ। पहला योजना क्या है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977 से 1978, काम के बदले अनाज योजना 1977 से 78, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1977-78, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंत्योदय योजना। ट्राई सेम 1979 में आया था, एकीकृत के ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980, वाक 1982, इंदिरा गांधी आवास योजना जिसका नाम अभी बदल कर क्या हो गया है, PM आवास योजना हो गया है, वो कब आया था, 1985 से 86 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में आया था, नेहरू रोजगार योजना 1989 में आया था, 10 लाख कुओं का योजना 1988-89 में आया था, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, रोजगार आश्वासन योजना 1993, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1997 में, ओके, और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, अन्नपूर्णा योजना 2000 में, जनश्री योजना 2001 में, अंत्योदय अन्न योजना 2000 ईस्वी में, आश्रय बीमा योजना 2001 से लेकर 2002 तक, JP रोजगार गारंटी योजना 2002 में, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-06 में, और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2006 में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है साथियों, इसमें इम्पोर्टेंट है ये आपका ये ट्राई सेम भी आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, ओके। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब अभी चल रहा है साथ, ओके। उसके बाद कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, जिसका नाम बीच में क्या हो गया था, मनरेगा हो गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदा वाली जिले से अनंतपुर गाँव से स्टार्ट हुआ था, कब, 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावाली जिले के आनंदपुर गांव से शुरू हुआ था, इम्पोर्टेंट है साथियों। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया। शुरू में यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ था। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, 33% होगी। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। यह भारत का क्या है, केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, सारी बैंकिंग क्रियाओं का संचालन कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है, ओके। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। अध्यक्ष अभी कौन है, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे साथियों तो वो कौन थे, सर CD देशमुख थे। और इसी समय बिहार के RBI का क्या हुआ था, RBI के राष्ट्रीयकरण के समय कौन थे गवर्नर, तो भी CD देशमुख थे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण देखिए, 19 जुलाई 1969 के समय LK झा RBI के क्या थे, गवर्नर थे, और इसी समय इंदिरा गांधी ने क्या किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, ठीक। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1786 में, भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 में, और बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में, इन तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो अभी क्या है, SBI है। क्या है साथियों, SBI है। 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया।
भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ा बैंक कौन है? SBI, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाबार्ड से बहुत प्रश्न आते हैं साथियों। देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना शिव रमन कमेटी की संस्तुति पर 12 जुलाई 1982 को ईस्वी में हुई थी। और प्रमुख वित्तीय संस्थाएं आइए देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई 1 अप्रैल 1935 को, औद्योगिक भारतीय औद्योगिक निगम 1948, भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम जनवरी 1955, भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955, भारतीय यूनिट ट्रस्ट मुख्यालय मुंबई 1 फरवरी 1964, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982, ओके, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 20 जनवरी 1985, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990, भारतीय निर्यात आयात बैंक 1 जनवरी 1982 को, इसको ही आप लोग क्या कहते हैं, एक्जिम बैंक कहते हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक जुलाई 1988, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975, भारतीय जीवन बीमा निगम कहाँ हुआ था? भारतीय जीवन बीमा निगम मुंबई में, ओके। अगला है भारतीय साधारण, इसी भारतीय जीवन बीमा निगम को आप लोग क्या कहते हैं, LIC कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1956 में। याद रखिएगा, अभी LIC क्या है, विवादों में है, क्योंकि इसने अडानी ग्रुप में क्या किया, बहुत पैसा लगाया साथियों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972 को, इसका क्या है, GIC। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई, और इसके प्रमुख कार्य चुनी गई कृषि वस्तुओं के प्राप्त करना और वितरण निर्यात और आयात करना है। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद ट्राइफेड की स्थापना 1987 में हुई थी, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI 1 फरवरी 1964 को केंद्र संसदीय अधिनियम से स्थापित हुआ था। भारत की सबसे बड़ी क्या है, म्यूचुअल फंड है UTI। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में, जबकि क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में, किसका, SEBI का मुख्यालय। और जो जितना भी शेयर बाजार रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है वो कौन करता है, SEBI ही करता है। चेन्नई में स्थापित किया गया था। इसे 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण SEBI के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा, SEBI के द्वारा ही किया जाता है। आइए आगे साथियों, तथा भारत के प्रमुख शेयर बाजार, राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। इसका मुख्यालय क्या है, दक्षिण मुंबई में है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि भारत का सबसे पुराना और एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से किया गया, जिसे 2002 में बदलकर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। बजट, बजट शब्द का विकास फ्रेंच भाषा बुजेट से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, एक छोटा चमड़े की थैला। भारतीय बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय वायस राय केनिंग को जाता है, ओके। और पहली बजट 7 अप्रैल 1860 को वायस राय के कार्यकारिणी परिषद में सर जेम्स विलियम्स द्वारा। तो भारत का पहला बजट कौन पेश किया था, सर जेम्स विल्सन ने, के द्वारा प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था। इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के लिए शब्द प्रयुक्त है, कहा, संविधान के आर्टिकल 112 में। राज्य सरकार के बजट का उल्लेख किसमें है, तो 2002 में है, सॉरी 202 में राज्य सरकार के लिए बजट का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 202 में है, 202 भारतीय। और ये इम्पोर्टेंट है साथियों यहाँ, और ये दोनों इम्पोर्टेंट था। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। प्रथम रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अवकवर्त समिति 1921 की सिफारिश के आधार पर 1924 में निर्णय लिया गया कि रेल बजट आम बजट से अलग प्रस्तुत किए जाएंगे। 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग पेश किया गया, और कौन पेश किया था, तो जॉन मथाई शायद पेश किए थे, ठीक है। और वर्ष 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ फिर से विलय कर दिया,
और 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ, और स्वतंत्र भारत के पहला बजट जो है पहले वित्त मंत्री आर के प्रश्नमुखम सेट्टी थे, और गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है 1950 में किसने, जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। भारत में अभी तक सर्वाधिक बार बजट, कुल 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसका है, वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का। ओके, वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति को क्या किया, लागू किया, और ये कब किया, तो 24 जुलाई को, ठीक है ना, 24 जुलाई को हम लोग क्या हुए, आर्थिक रूप से आजाद हो गए। वस्तु एवं सेवा कर जिसको आप लोग कहते हैं GST, और राहुल गांधी कहता है गब्बर सिंह टैक्स, बेचारा का सदस्यता चला गया। कमेंट में लिखिए कैसा फील होता है। 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई है। यह 8 सितंबर 2016 को 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। जीएसटी के तहत वस्तु और सेवाओं पर इन दरों पर कर लगेगा 0%, 5%, 12%, 18% और 28% मैक्सिमम रेट है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री तथा उपाध्यक्ष राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच से निर्वाचित किया जाता है। अभी अध्यक्ष कौन होगा, तब इस आधार पर निर्मला सीतारमण जी होंगे। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में जीएसटी लागू किया गया था। आजादी के बाद देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को किसने किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। ओके, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है ये योजना आयोग पीसी मोहन वालिस को माना जाता है, और उन्हीं की जन्म जयंती पर नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1991 को लागू हुई, जो कि मैं आपको पहले ऊपर बताया था। कपड़ा उद्योग भारत के कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग में सुधार संबंधित है। आबिद हुसैन समिति इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है, तो लघु उद्योग में सुधार से संबंधित है। ओके, अब कहता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको आप लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, सिडबी, इसने अपना कार्य 2 अप्रैल 1990 से शुरू किया। इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम देश के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई। अर्थशास्त्र से संबंधित प्रमुख पुस्तक कौन है, देखते हैं साथियों। तब तक आप लोग इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर साथियों, क्योंकि हर दिन मैं आपको बिहार दरोगा से इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर उपस्थित होता हूँ आपके बीच। बहुत मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, और आपके लिए ही कर रहा हूँ, और आप अपने लिए भी कर रहा हूँ। आप लोग अपना प्यार दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, और दिल करेगा और वीडियो बनाने का, और आपको और लाभ फायदा पहुंचाने का। तो इसलिए प्लीज 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 लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके साथियों, फ्रेंड्स, प्लीज फ्रेंड्स, हाउ टू पे फॉर वार किसने लिखा है, किन्स ने। हाउ टू पे फॉर वार द थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी, JM Keynes ने। ओके, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्सन ने। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, और यही क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका किसने, ये लिखा है आपका किन्स ने। कुछ अर्थशास्त्रियों के प्रमुख कथन, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा, रॉबिन्सन ने कहा। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, किसने कहा, मार्शल ने कहा। और अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसने कहा, रॉबिन्स ने कहा। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, किसने कहा, रॉबिन्स ने। और रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अर्थव्यवस्था से है, जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ओके, अब है मुद्रा स्फीति इन्फ्लेक्शन। मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रा स्फीति विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है। मुद्रा स्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति की कमी लाने का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा अपस्फीति या बी स्फीति डिस इन्फ्लेशन तथा मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं, जैसे साख नियंत्रण आदि, उनके परिणाम स्वरूप मुद्रा स्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुद्रा अपस्फीति या विस्फीति की स्थिति को दर्शाती है। साथियों, इसका मतलब क्या है कि आपके पास पैसा कम है और सामान बाजार में ज्यादा है तो मुद्रा अपस्फीति, लेकिन आपके जेब में पैसा भरा हुआ है लेकिन आप जब बाजार में सामान खरीदने गए तो सामान ही नहीं है, इसी को कहते हैं मुद्रा स्फीति। मतलब मुद्रा ज्यादा है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। मुद्रा संकेतन डिफ्लेशन, जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती है,
उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? मुद्रा का संकुचन कहते हैं। और कोरोना काल में मुद्रा का क्या हुआ था? यही हुआ था, संकुचन। अब मूल्यन, डिवल्यूशन, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इस मुद्रा का मूल्यन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन, जब देखिए जब क्या है, मुद्रा स्फीति के साथ साथ मुद्रा अपस्फीति भी पाई जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति होती है। मतलब पैसा भी है और खरीदारी करना लोग चाह नहीं रहा है, जेबी में रुपया रख ले है लेकिन खरीदेगा कुछ नहीं, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं? और तेजरिया और मंदरिया या स्टॉक एक्सचेंज के शब्द है। तेजरिया जो कि शेयर बाजार को तेजी करना चाहता है और मंदरिया जो कि मंद करना चाहता है, तेजरिया कहलाता है। और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतों को गिरने की आशा करता है वह मंदरिया कहलाता है। ओके, अब देखिए टैरिफ क्या होता है? किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही क्या कहते हैं? टैरिफ। यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है आपका? आयात कर भी है, टैरिफ। ओके, बफर स्टॉक क्या होता है? आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना क्या कहलाता है? बफर स्टॉक। जैसे कि मान लीजिए कि देश का, भारत का पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध स्टार्ट हो जाए तो हम लोग जो पेट्रोल का स्टॉक रखे वही है बफर स्टॉक। राजकोषीय घाटा क्या है साथियों? तो राजकोषीय घाटा होता है या सरकार की आय और उसके व्यय का अंतर है, या सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित करता है। इस साधन का कुल उधारी आवश्यकताओं को इंगित कर, राजकोषीय घाटा क्या है? बजट घाटा, बाजार उधारी प्लस देयता। मान लीजिए आपके पास आया 5,000 रुपया और आप खर्चा कर दिए 7,000, ये 2,000 रुपया जो आप एक्स्ट्रा लाए हैं यही क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा कहलाता है साथियों। और राजस्व घाटा क्या है? राजस्व प्राप्तियों की तुलना में, जैसे कि आप टारगेट रखे कि आपका इस महीना क्या हो, जैसे मेरा टारगेट है कि 1,000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी पूरा दीजिए अंडर मार्च, तो इसी तरह अगर आपका टारगेट, मेरा टारगेट है लेकिन हुआ कितना? 700, यानी कि 300 कम आया, तो इसलिए ये 300 क्या है? हमारा राजस्व घाटा है। ओके, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। प्राथमिक घाटा, वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण का पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है को प्राथमिक घाटा कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह राजकोषीय घाटे और सरकार द्वारा ब्याज भुगतान का अंतर है। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, सरकार द्वारा ब्याज भुगतान। तथा मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पहली बार 1990 में जारी किया गया था। ओके, और इससे प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। और UNDP का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। हिंदू वृद्धि दर को राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रति व्यक्ति हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से क्या करना पड़ता है साथियों? भाग देना पड़ता है। देश में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में पहली आर्थिक गणना 1977 में की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड जिसमें किसानों को क्या मिलता है? सरकार से कम दामों पर ब्याज मिलता है। वर्ष 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड व केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया। साख मुद्रा को क्या कहते हैं? ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। जैसे साख का मतलब क्या है कि कोई आदमी बोले कि चलो भाई पैसा दो हम 10 दिन में दे देंगे, जिसको आप लोग क्रेडिट कार्ड कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड की मुद्रा कैसी मुद्रा है? साख मुद्रा है। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में की गई थी, जिसे 1985 में कृषि लागत व कीमत आयोग का नाम दिया गया। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह 1897 में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी, भारत में पहली स्वर्ण सोने की रिफाइनरी कहाँ हुई थी? तो सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र भी कहा जाता है। ओके, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत 1952 से प्रारंभ हुई थी। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित है। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा महाराष्ट्र में खोला गया था। और सतारा किस लिए, दूसरा किस लिए फेमस है? तो क्योंकि यही पर आपका क्या था, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया था? रायगढ़ बनाया था। प्रथम भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को हुआ था। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। भारत में नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुई। मित्रों,
आज रात से, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आपको ये घोषणा याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ठीक। और हृदय, हृदय योजना का संबंध पर्यटन के विकास से, हृदय योजना का संबंध किससे है? पर्यटन के विकास से। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्य गरीबी को दूर करना और जनसाधारण के जीवन स्तर को यथासंभव ऊपर उठाना है। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य है उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, वृद्धि करना, रोजगार अवसरों में वृद्धि, आर्थिक समानता की उपलब्धि एवं आर्थिक स्थिति की। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था? 1951 से लेकर 56 तक। किस मॉडल पर था? तो हेराल्ड डोमन मॉडल पर था। और हेराल्ड डोमन दोनों दो क्या थे? अर्थशास्त्री थे। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ। इस अंतिम प्रारूप 1952 में प्रकाशित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध था, देश के विभाजन के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में परिवार नियोजन योजना को एक अंग के रूप में स्थापित किया गया। इस योजना का फोकस कृषि पर आधारित था, जिसके कारण इसमें खाद्य संकट से निपटने के लिए कृषि पर अधिक बल दिया गया। यह सफल योजना रही जो लक्ष्य प्राप्ति 2.1% से ज्यादा 3.6% प्राप्त किया। इस योजना के दौरान औद्योगिक उत्पाद 8% तथा राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। नोट, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था 1952 में, जो कि फेल हो गया। और उसके बाद ही क्या हुआ? समितियां बनी और भारत में पंचायती राज का अस्तित्व हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महानोवालिस मॉडल पर आधारित था। इसीलिए पीसी महानोवालिस के जन्म जयंती 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 29 जून को। तो याद रखिएगा, इस योजना का उपनाम क्या था? भौतिकवादी योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना तथा इस योजना के दौरान जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय आय 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना अवधि में प्रति व्यक्ति आय 20% की वृद्धि हुई। इसमें भारतीय उद्योग एवं खनिज के उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय 24% राशि खर्च की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 3 लौह संयंत्र दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, किसके मदद से? दुर्गापुर इंग्लैंड अंग्रेज की मदद से, राउरकेला उड़ीसा, और भिलाई किसके मदद से? रूस की मदद से स्टार्ट किया गया था। राउरकेला किसके मदद से? जर्मनी के मदद से। ओके, अब अगला देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में। यह योजना प्रोफेसर सैंडी तथा सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था। किस पे? प्रोफेसर सैंडी और सुब्रमण्यम चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित था। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। यह योजना मुख्य अर्थव्यवस्था लक्ष्य अर्थव्यवस्था गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। इस योजना में राष्ट्रीय आय कि वार्षिक वृद्धि दर 5% था। योजना अवधि की दर 30% रखा गया। यह योजना अपने लक्ष्य प्राप्ति 5.6 को असफल रहा और मात्र कितना प्राप्त किया? 2.8 प्राप्त किया। बिकॉज आपको पता होगा साथियों, इसी समय भारत ने दो दो युद्ध का दंश झेला, भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत और चीन युद्ध। तो भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1965 में हुआ साथियों। और क्या कहता है, भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 में हुआ। और 1965 से 66 तक भीषण सूखा पड़ा, जिसके कारण कारण अगली योजना के समय से पूरी नहीं हो सकी। ओके, और इसी समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? गुदरी के लाल बहादुर शास्त्री। और उन्होंने कहा लोगों से कि एक शाम उपवास रखो, एक शाम क्या करो? उपवास रखो। और उनकी बात देश की जनता ने मान लिया। ओके, इस योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र 1964, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI 1964 और भारतीय खाद्य निगम FCI 1965 और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट है। 3 गो इस्पात संयंत्र किसके तहत बना था? भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना था, लेकिन बोकारो इस्पात संयंत्र तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना था। योजना अवकाश, योजना अवकाश का मतलब क्या है? किस समय योजना नहीं थी, क्योंकि देश के पास इतना पैसा ही नहीं था कि योजना चला सके। दो दो युद्ध के बाद, अकाल के बाद देश पूरी तरह से टूट चुका था। इसलिए इस दौरान 3 वार्षिक योजना चलाई गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि चीन तथा पाकिस्तान युद्ध होने के कारण देश की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई थी। इन 3 वर्षों की योजना अंतराल या योजना अवकाश प्लान हॉलीडे के नाम संज्ञा दी गई। इस योजना के दौरान 1966-67 में एम एस स्वामीनाथन ने किसकी शुरुआत की? हरित क्रांति की शुरुआत की। किसने? एम एस स्वामीनाथन ने। अब आइए क्या है, तो पूछा जाएगा आपको कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आप लोग याद रखिएगा कि ये किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं, बल्कि योजना अवकाश के दौरान स्टार्ट किया गया था। ओके, अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1969 को हुआ।
यह योजना डी आर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। किसके? डी आर गॉडगिल मॉडल पर। इस योजना का उपनाम गॉडगिल योजना था। ऑपरेशन फ्लड 1970 अथवा श्वेत क्रांति इसी योजना से प्रारंभ था। इस योजना के मुख्य बिंदु स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में आर्थिक समानता एवं न्याय की स्थापना पर भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लगाने के लिए इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी लागू किया गया था। किसमें? चौथी पंचवर्षीय योजना में, जो कि 1969 से कब तक था साथियों? 74 तक था। आप पांचवी पंचवर्षीय योजना 74-77, इस योजना को विशेष प्राथमिकता कृषि क्षेत्र के प्रदान की गई। और इस योजना में का उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। तो पूछा जाएगा कि गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना में था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में था। जो भी क्वेश्चन आया हुआ है या आने वाला है, मैं उस पर इम्फाइसाइज कर रहा हूँ, आपको जोर देकर बता रहा हूँ। एक बार आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, चाहिए कि वीडियो नहीं चाहिए। प्लीज कमेंट 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 इन कमेंट बॉक्स। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। यह एक सफल योजना थी जो लक्ष्य प्राप्ति 4.4 से ज्यादा 4.7 को प्राप्त किया। यह योजना अपने समय के पूर्व ही 1978 में जनता सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया। इस योजना के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 स्टार्ट किया गया। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में स्टार्ट किया गया और इमरजेंसी भी इसी योजना के तहत लगा था। इसी योजना काल में इमरजेंसी भारत में कब लगा था? तो जैसे अभी बोला जा रहा है कि भारत में क्या है, अघोषित इमरजेंसी है, उस समय कैसा इमरजेंसी था? इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 ईस्वी में हुई थी। इस योजना के दौरान कृषि एवं जनउपयोगी वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिए उद्योग पर बल दिया गया। अब अगला है अनवरत योजना, इसको कहते हैं रोलिंग प्लान। क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान कहते हैं। जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही 1977-78 में समाप्त कर देने की घोषणा की और 1978-83 की अवधि के लिए अनवरत योजना रोलिंग प्लान बनाई। वहां क्या था? योजना अवकाश था। 66 से लेकर 69 तक योजना अवकाश और 77 से लेकर 78 से लेकर 83 तक रोलिंग प्लान आया था। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुन्नार मेंडर ने किया था और अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया था। और इसे भारत में लागू करने की श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना निवेश मॉडल पर आधारित थी। 1980-85 में आई थी और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। इस योजना का प्रारंभ जनता पार्टी सरकार के द्वारा चल रही गई अनवरत योजना रोलिंग प्लान 1978-80 को समाप्त कर किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी तथा बेरोजगारी की व्यापकता कमी लानी थी। इस योजना के दौरान 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NRP की शुरुआत की गई। इस योजना के दौरान जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए विविध नीतियों को प्रोत्साहन दिया गया। यह एक सफल योजना थी जो कि लक्ष्य प्राप्ति 5.2 से ज्यादा 5.5 प्राप्त किया। इस योजना अवधि 1983-84 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया। यह इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 और नबार्ड की स्थापना 1982 और ट्राइसेम की शुरुआत हुई। अब है आपका सातवां पंचवर्षीय योजना 1985-90। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। किस पर? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। यह योजना 15 वर्षीय अवधि परियोजना का ही एक हिस्सा थी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता खनन एवं कार्य के एवं उत्पादकता को दिया गया। इस योजना का लक्ष्य क्या था? 5% विकास दर को प्राप्त करना था, जो लक्ष्य प्राप्ति से कितना हो? 5.6% ज्यादा हो। इस योजना का उद्देश्य एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक व आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। किसमें? सातवीं में। ओके, याद रखना है साथियों की सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। इस योजना का दौरान 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना JRY जैसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। इस योजना के दौरान पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में प्रियता दी गई। यह योजना अवकाश 1990-92 फिर आया योजना अवकाश, क्योंकि देश के पास फिर पैसा नहीं बचा था। ठीक है, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण एक वर्षीय योजना बनाई गई। उसके बाद फिर आया 1903 बार योजना आयोग, योजना नहीं बनी थी 1966 में, 1980 के समय, 1977-78 में जनता पार्टी की सरकार के समय और फिर 1991-92 में। ठीक है ना, तो याद रखना इस सबको। कहेगा कि भारत में कितने बार योजना अवकाश आए, तो आपका जवाब होना चाहिए भारत में योजना अवकाश कितने बार आ चुका है? 3 बार आ चुका है।
सरकार को अस्थिरता के कारण यह योजना अपने समय से 2 वर्ष पहले बाद प्रारंभ हुई 1992-97। मानव संसाधन विकास का सार माना गया इस योजना अवधि में सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस पंचवर्षीय योजना में आया साथियों? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके, राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ओके, अब साथियों इस योजना में राष्ट्रीय आय 6.7% तथा प्रति व्यक्ति आय में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई। इस योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा में सर्वव्यापक बनाना तथा 15 से 35 वर्ष आयु के मध्य निरक्षरता को पूर्ण समाप्त करने का लक्ष्य घोषित किया गया। इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में साथियों, ओके फ्रेंड्स, इसी योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 शुरू की गई। इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में अब कहता है 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच आई थी और 9वीं पंचवर्षीय योजना का दस्तावेज योजना आयोग द्वारा लगभग 2 वर्ष बाद 1999 में जारी किया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ सतत विकास था। 9वीं पंचवर्षीय योजना सफल ना रही है, यह एक सफल योजना थी। 9वीं योजना में जो है कृषि वृद्धि दर 3.9 के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि मात्र 2.1 ही रही। 9वीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद का दर जो था वो 6.5 रखा गया था, जो कि कितना रहा? 5.4 रही। 9वीं योजना के दौरान योजना का आधार वर्ष 1996-97 में रखा गया, इसीलिए क्या हुआ, ये सफल नहीं हुआ, ठीक ना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक 10वीं योजना एक सफल योजना थी जिसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था। और इस योजना के दौरान 2004 में किसान कॉल सेंटर किसी और 1551 पे कॉल करके आप लोग लिख सकते हैं। इस योजना के दौरान औसत सालाना वृद्धि दर 7.8% की दर से प्राप्त की गई। इस योजना में मुद्रा स्फीति व औसतन लक्ष्य 5% रखा गया था, जिसकी वास्तविक प्राप्ति 5.02% थी। योजना 10वीं योजना के दौरान कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र की प्राप्ति की गई वृद्धि दर निर्धारित लक्ष्यों से काफी निकट रही। और 10वीं योजना में कृषि क्षेत्र में सालाना वृद्धि दर की लक्ष्य 4% रखी गई थी, जिसकी प्राप्ति 3.42% रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना समाप्ति तथा साक्षरता दर 75%, शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 45 प्रति 1000 बना 25% करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के दौरान फरवरी 2004 में थे 25% अभी नहीं तक नहीं हुआ, अभी भी 24.46% ही है, बताइए। श्री राधे श्री राधे। इस योजना के दौरान फरवरी 2004 में राम सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग की गठन और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब आई? 2007 से लेकर 2012 तक। इस योजना का उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में महाशक्ति बनना था। ओके, और इस योजना का उद्देश्य 10वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास और व्यावसायिक शिक्षा सुविधा प्रदत्त कराने के लिए सेकेंडरी स्कूल का विस्तार करना था। इस योजना में पहली बार सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामाजिक हस्तक्षेप की अवधारणा को स्वीकार किया गया साथियों। और इस योजना में अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री की 15 सूत्री योजना क्रियान्वित करने का बल दिया गया। इस योजना की अवधि 8.3% की विकास दर हासिल हुई, जो अन्य सभी योजनाओं से क्या थी? अधिक थी। और इस योजना में देश के सभी ग्रामों में विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ओके, आइए। और इस योजना में रोजगार का नया अवसर सृजन करने के लिए निर्धनता को कम करने का प्रयास किया गया। और भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना क्या है? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17। 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 को प्रारंभ हो गई थी और इस योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास करना था। और 22 अक्टूबर 2011 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस योजना का दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति प्रदान की गई। और इस योजना के दृष्टिकोण पत्र में 9% सालाना वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया, जिसे बाद में संशोधित करते हुए 8.7% कर दिया गया। इस योजना के दस्तावेज में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद GDP के 3% तक रखने की, तो अभी तक 3% नहीं आया है GDP का, अभी भी 3.6% के आसपास है अपना राजकोषीय घाटा। इस योजना में स्वास्थ्य पोषण पेयजल और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है। इस योजना के दौरान गरीबी अनुपात में वर्तमान में 30% से घटाकर 10% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। और राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य योजना आयोग द्वारा तैयार योजनाओं का अध्ययन करना तथा विचार विमर्श के बाद उसे अंतिम रूप प्रदान करना था, राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके,
परियोजना आयोग की तरह राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक गैर संवैधानिक संस्था थी। ओके, गैर संस्था तीन प्रकार की होती, संवैधानिक, गैर संवैधिक और तात्कालिक। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक हो, वह योजना आयोग के सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते थे। केंद्र सरकार की के द्वारा घोषित कुछ योजनाएं, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न आ ही जाता है। डिजिटल योजना इंडिया कार्यक्रम 21 अगस्त 2014 को, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। ओके, तो याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना भी इंपॉर्टेंट है, कब आया था, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था 28 अगस्त 2014 को, और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आया था 21 अगस्त 2014 को। उसके बाद सर्वमेव जयते 16 अक्टूबर 2014 को आया था, और फास्ट टैग जो है 31 अक्टूबर 2014 को, जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए 10 नवंबर 2014 को, और मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण के लिए 25 दिसंबर 2014 को। नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को, और हृदय संबंधी सांस्कृतिक संरक्षण का कार्यकल्प हुआ 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 हरियाणा से, सुकन्या समृद्धि योजना जो कि स्टार लगा हुआ है, इम्पोर्टेंट है, 22 जनवरी 2015 से, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 जनवरी 2015 से, मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 जनवरी, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम 20 फरवरी 2015 से। सागर माला परियोजना जिसमें सभी पोर्टों को आपस में जोड़ना था 25 मार्च 2015 को। उसके बाद मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को, जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 को, उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 को, जिसके तहत क्या था कि आपको सस्ता में LED बल्ब बांटा जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को, उस्ताद अल्पसंख्यक कार्यकर 14 मई 2015 को, कायाकल्प जन स्वास्थ्य 15 मई 2015 को, DP किसान चैनल DD किसान चैनल 26 मई 2015 को, 26 मई 2015 को DD किसान चैनल, और हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015 को, अटल मिशन फॉर रिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट 25 जून 2015 को, स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को, इंडिया डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को, और इंद्रधनुष सार्वजनिक बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए 2015 में, और स्वर्ण मौद्रिक योजना 5 नवंबर 2015 को, स्वर्ण बॉन्ड योजना 5 नवंबर 2015 को, स्वर्ण बिलियन योजना 5 नवंबर 2015 को, उदय योजना 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्टार्टअप योजना 16 जनवरी 2016 को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन 21 जनवरी 2016 को, सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को, स्टार्टअप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को, ग्राम उदय और भारत उदय 14 से 24 अप्रैल 2016 को, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, इसमें क्या था, गरीब महिलाओं को गैस दिया जाता था, इम्पोर्टेंट है। नमामि गंगे 7 जुलाई 2016, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 मई 2017, उड़ान योजना 17 मई 2017, संपदा कृषि संपन्न उद्योग 3 मई 2017, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना 4 मई 2017, मातृत्व लाभ कार्यक्रम 17 मई 2017, जिज्ञासा 6 जुलाई 2017, शादी सगुन योजना 8 अगस्त 2017, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत 5 अगस्त 2017, सौभाग्य योजना, ये इंपॉर्टेंट है, सौभाग्य योजना क्या है, सहज बिजली घर घरों में 25 दिसंबर 2017, ग्रामीण भारत छोड़ो गरीबी भारत छोड़ो अभियान 1 अक्टूबर 2017, संपूर्ण देखिए योजना तो भरमार लगा हुआ है। जीरो हंगर कार्यक्रम गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 16 अक्टूबर 2017, भारतमाला परियोजना 24 अक्टूबर 2017, एक धरोहर गोद लो यह योजना 25 अक्टूबर 2017, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 1 नवंबर 2017, दीनदयाल स्पर्श योजना, इतना योजना ना पढ़ हो पाए, इतना में याद रखना मुश्किल है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम आपको बता रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना 1 फरवरी 2019 को, PM किसान योजना 1 दिसंबर 2018 को, 1 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हुआ है, क्या चीज़ आपका PM किसान योजना कब से, 1 दिसंबर 2018 से। ओके, एक सेकेंड, चलिए आगे कर ही लेते हैं।
है पीएम कर्मयोगी मानधन योजना 30 मई 2017-2019 से सोमान योजना, सुरक्षित मातृत्व अवसान आश्वासन 10 अक्टूबर 2019 से अटल भूजल योजना 25 सितंबर 2019 से सागर मित्र योजना 1 जनवरी, ग्राम भंडार योजना 1, धनश्री योजना 1 फरवरी 2020, किसान रेल योजना 1 फरवरी 2020 से किसान रेल योजना, कृषि उड़ान योजना 1 फरवरी 2020, विवाद से विश्वास योजना 1 फरवरी 2020, टीवी हारेगा देश जीतेगा योजना 1 फरवरी 2020, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 और आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मार्च 2020। ओके और गोल गोइंग ऑनलाइन इन लीडर्स 25 मई 2020 को, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 1 फरवरी 2021 को और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना 29 मई 2021 को। ओके अब देखिए स्माइल मुस्कान योजना ट्रांसजेंडर के लिए कब स्टार्ट किया गया है, तो 12 जनवरी 2022 को स्टार्ट किया गया है और डीएनटी सीड योजना 16 फरवरी 2022 को। सुकन्या समृद्धि खाता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का एक भाग है, इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के नाम जमा खाता खोला जाता है जिसमें न्यूनतम राशि 1000 रुपया तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपया होगा। अर्थशास्त्र से संबंधित सिद्धांत एवं प्रतिपादक विकास का सिद्धांत कौन दिए थे, दादा भाई नौरोजी। गरीबी के दुष्चक्र का या प्रचंड बेरोजगारी का सिद्धांत कौन दिया था, रेगनर नक्स ने दिया था गरीबी का दुष्चक्र, जो कि हम आपको बताए भी कि आप गरीबी के दुष्चक्र से कैसे बाहर आ सकते हैं। साथियों गरीबी के दुष्चक्र से आप एक ही तरीका से बाहर आ सकते हैं, तो वो तरीका ये है कि आपको करना क्या होगा साथियों, आपको करना होगा कि खूब मन लगाकर पढ़ना होगा। ओके प्लानिंग एंड द पुअर बीएसएस मिन्हास के एन इक्विटी इन टू द प्रोबेटिव ऑफ नेशन, गुनार मेंडर प्रबल धक्का सिद्धांत रोज जस्टिन रोडा, असंतुलित विकास सिद्धांत हर्समेन, रेस्टोजेज ऑफ द इकोनॉमिक वे ग्रोथ रोस्टेव, सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव च्वाइस ए के सेन, भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण एडम स्मिथ, इष्टतम करारोपण का सिद्धांत आर्थर लेफर, बेकर कलेडर, टॉविन कर जेम्स टॉविन, मूल्यवर्धित वैट का प्रथम प्रतिपादक F1 वैट का क्या है वैट प्रथम प्रतिपादक सिमोन मॉरिस फारे और कार्लोसुप, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत जे एस मिल ने, जीरो बेस्ट बजटिंग पीटर फायर ने और क्या है आर्थिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत डाल्टन पीगू का जे है, कार्यकर्तम वृत्त का सिद्धांत ए पी गलांगनर और क्षतिपूर्ति जॉन मिनार्ड किंग्स, क्षतिपूर्ति राष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया। अब आइए आगे कहता है महात्मा गांधी विविध पंक्ति परिचय, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को भारतीय राज्य गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राजकोट तथा बीकानेर रियासत के दीवान थे और माता कौन थी, तो माता थी पुतली बाई। ओके और आपका जो है अब देखिए हमने पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक्स करा दिया, ये दूसरे क्लास में हम लोग करा देंगे। चलिए आप लोग क्या कीजिए, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए दबा के, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।